दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के करीब 1 करोड़ कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्री मोबाइल फ़ोन और टैबलेट बांटने की योजना बनाई है। हालांकि अभी इस योजना पर काम चल रहा है। यूपी राज्य सरकार तकनीकी, चिकित्सा और नर्सिंग संस्थानों से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन देने की स्कीम बना रही है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार इन डिवाइसेस को कौशल विकास कार्यक्रमों में नामांकित लोगों को वितरित करेगी। इस बात की जानकारी इस मामले से अवगत अधिकारियों ने दी है। आज हम इसी योजना के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। ऐसी एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शुरू की है, जिसका नाम यूपी फ्री लैपटॉप योजना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक बैठक में अधिकारियों से इस बारे में बात की है। इस बैठक में उन्होंने योग्य छात्रों की एक लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे नवंबर महीने के अंत तक स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन और टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें। रिपोर्टों के अनुसार मुख्य सचिव ने कहा कि इन डिवाइसेस को छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए दिया जाएगा और उनके लिए इससे नौकरी के अवसर भी पैदा होंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने राज्य के विश्वविद्यालय को अपने एफिलिएटेड कॉलेज के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की जानकारी तैयार करने के लिए भी कहा है। साथ ही इस जानकारी को जिलाधिकारियों के कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया है। ये कार्यालय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के आदेश के तहत जिला स्तर पर इस जानकारी को वेरीफाई करेंगे और स्मार्टफोन टैबलेट वितरित करेंगे। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को लेटेस्ट तकनीक से लैस करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है और इस कदम के तहत नवंबर के अंतिम सप्ताह से टैबलेट और लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये घोषणा उस बजट के बाद की गई थी जिसे इस साल अगस्त में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में पेश किया गया था। इस बजट में युवाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने की बात की गई थी और इसके लिए स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए 3,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। सरकार पहले ही 25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट खरीदने के लिए बिड्स इनवाइट कर चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही और भी डिवाइसेस खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लासेस के मेधावी छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का प्रस्ताव भी रखा है। राज्य सरकार अपने टॉप स्टूडेंट्स को 20 लाख फ्री लैपटॉप देने की योजना बना रही है। ये स्टूडेंट्स वो होंगे जो इस तरह के डिवाइसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। जो स्टूडेंट्स इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए उन्हें www.upcmo.up.nic.in पर जाना होगा। आइए जानते हैं कि यूपी फ्री लैपटॉप योजना की चयन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, यूपी फ्री लैपटॉप योजना के अंतर्गत चयन जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें 6 मेंबर होंगे। इस कमेटी द्वारा चिन्हित शिक्षण संस्थानों की सूची तैयार की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लैपटॉप जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदे जाएंगे। जेम पोर्टल इस योजना के कार्यान्वयन के नोडल एजेंसी निर्धारित करेगी। इसके अलावा पात्रता के मानक भी इसी कमेटी द्वारा तय किए जाएंगे। अब इस योजना के अंदर एलिजिबल कैंडिडेट कौन है? दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक ने हाल ही में 10वीं या 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हों। इस योजना के अंतर्गत पॉलिटेक्निक और ITI करने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जो यूपी फ्री लैपटॉप स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर और email ID होनी चाहिए। यूपी फ्री लैपटॉप योजना में आप कैसे आवेदन करेंगे, आइए अब जानते हैं आवेदन की प्रक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले आपको यूपी फ्री लैपटॉप योजना की ऑफिशियल वेबसाइट upcmo.up.nic.in पर जाना होगा। अब आपके सामने एक होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको यूपी फ्री लैपटॉप योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी, जैसे कि नाम, पता, एज आदि सब डिटेल्स भरनी होगी। इसके पश्चात सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा और आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरीके से आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
तो दोस्तों इस तरह से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और लैपटॉप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।